देखिए, श्री अमरनाथ जी यात्रा 28 जून से शुरू हो रही है और वैसे तो इस यात्रा में काफ़ी सिक्योरिटी एजेंसीज इन्वॉल्व रहती हैं, पुलिस और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज भी इन्वॉल्व रहती हैं, लेकिन जहां तक यात्रियों की सुरक्षा का जिम्मा है, जम्मू से लेकर होली केव तक, वो मुख्यतः CRPF के पास में रहता है। और इसके लिए CRPF की कुल 60 बटालियन तैनात की गई हैं, 60 कंपनियाँ तैनात की गई हैं, जो कि यात्रियों को आरओपी के द्वारा सुरक्षा प्रदान करेगी, बेस कैंप में उनको सुरक्षा प्रदान करेगी और होली केव में भी उनको, और होली केव के पूरे रास्ते तक उनको सुरक्षा प्रदान करेगी। तो सर देखिए, जहाँ तक स्पेसिफिक इनपुट का सवाल है तो यात्रा को लेकर कोई भी ऐसा स्पेसिफिक इनपुट नहीं है, लेकिन जनरल थ्रेट हमेशा बना रहता है और उसके मद्देनज़र हमने सभी तैयारियाँ की हुई हैं और हम किसी भी ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं और सुरक्षा के लिहाज से हमने पूरे बंदोबस्त किए हुए हैं।